हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम बनाने वाले हैं हरे लहसुन का अचार। ये हरा लहसुन है, इसका हम तीखा चटपटा अचार यूपी स्टाइल बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। चलिए अब इसे हमें क्या करना है, लहसुन का ये जो सग्गा है, हरा लहसुन है, देखिए ऐसे हमें इसको ले लेना है और इसे हमें पहले काटना है बारीक। इसे हम लहसुन को, हरे लहसुन को जो है काट लेंगे। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है इस तरीके से। आप बना के सालों तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। देखिए ऐसे हमें इसे बारीकी से काट लेना है। हरे लहसुन को हमने काट लिया है और इसमें हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा हरा मिर्च और ये अदरक, इसे भी हमें ले लेना है। इसको भी हम बारीक काट लेंगे। अदरक को हम कद्दूकस कर लेंगे। अदरक को ये जो पतला वाला है इससे हम कद्दूकस करेंगे, मोटे वाले से नहीं करना है, पतले वाले से हमें कद्दूकस कर लेना है अदरक को। और हरी मिर्च जो है इसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम छोटा छोटा इसे काट लेंगे बारीकी से। देखिए ऐसे ही बारीकी से हम हरे मिर्च को भी काट लेंगे। अदरक और हरा मिर्च इन दोनों को भी हमने काट के तैयार कर लिया है। जो मसाले उसमें हमें यूज़ करना है वो हम मसाले देख लेते हैं। एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच ज़ीरा, अजवाइन एक चम्मच, दो चम्मच खड़ा धनिया और ये जो है आमचूर पाउडर। ये घर का तैयार किया हुआ आमचूर पाउडर, हमने हींग ले लिया है। ज़रूरत के अनुसार हम इसमें से हींग को डालेंगे। कढ़ाई को हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, चूल्हे को ऑन कर देते हैं और ये जो हमने मसाले आपको दिखाए थे खड़े मसाले, ये हम डाल देते हैं। इसमें डाल के इसे हमें हल्का हल्का भून लेना है मसालों को। मसाले भून चुके हैं, चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मिक्सर जार हमने ले लिया है, मसाला जो है ठंडा हो गया है। अब इसको डाल देते हैं मिक्सर जार में। इसमें जाएगा हींग और ये आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। देखिए ये दो चम्मच, अचार में थोड़ा नमक अधिक होता है, हमने डाल दिया। अब इसे हमें पीस लेना है। मसाले पीस चुके हैं, अब इन्हें हमें क्या करना है, लेना है ओखल। देखिए इसको हमने साफ से अच्छे से धुल के और हमने इसे सुखा लिया है। अब इसमें जो हमने लहसुन, हरा मिर्च, अदरक काटा था, अब इसको हम डाल देते हैं इस ओखली में। अब ये तैयार किए हुए मसाले, अब इसको हमें अच्छे से कूट लेना है। इसमें तेल अभी नहीं डालना है, खूब अच्छे से बारीकी से इसकी चटनी या अचार बोलिए, इसकी अच्छे से हमें कुटाई कर लेना है बिना तेल डाले। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ज़रूरत के अनुसार इसमें हम तेल डालेंगे। देखिए ये गया पूरी एक करछुल तेल हमने डाल दिया। अब इसे अच्छे से हमें इसको भी फिर से उसके साथ तेल के साथ इसे हमें कूट लेना है। अचार जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको साफ करके अब इसे निकाल लेंगे। हमने ले लिया है ये कांच का कटोरा, सूखा हुआ है, गीला बर्तन बिल्कुल नहीं यूज़ करें। अचार एक सालों तक चलते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। देखिए इसे हमें निकाल लेना। इसमें हरे लहसुन का तीखा चटपटा अचार जो है बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप अचार को बनाइए और इसे पूरे दिन धूप दिखा के शीशे वाले जार में रखें और 10 दिन तक धूप में इसे रखिए। तेल पर्याप्त इतना ही होना चाहिए, इससे कम तेल नहीं होना चाहिए। अच्छे से बराबर तेल पड़ा रहेगा तो अचार ख़राब नहीं होता। बहुत ही टेस्टी रोटी पूड़ी पराठे किसी के साथ आप खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी अचार जो है। इस तरीके से आप बनाइए और खाइए। अपना अनुभव शेयर करिए हमारे साथ। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।